marathon starting point? There, and registration also happening there. Marathon. Train station. Registration. Yes. Okay. Here on the left side, 100 meters on the left. Okay. Thank you. सुबह जल्दी उठ के आया था टाइगर सी हाफ मैराथन भागने के लिए. म्यूनिक से कुछ 50 मिनट दूर था, लेकिन वेदर कंडीशन बहुत बिगड़ी हुई है यहाँ पे. अभी अगर वेदर दिखाऊँ तो कुछ 5 डिग्री था थोड़ी देर पहले, अब 6 डिग्री है और वार्निंग भी आई हुई है विंड और रेन की. इतनी बारिश बढ़ती जा रही है. रजिस्ट्रेशन पूछा था मैंने, रजिस्ट्रेशन चालू है उनके. 6 degrees rain. It will rain till 11. It will be a little bit better. Yes. And till what time I can do this registration? 10 o'clock is deadline. It's the deadline. Sir. Yeah. Okay. 10 o'clock. I'll wait for 15-20 minutes. Okay. Get used to the weather. Yeah. Okay. Too cold for me. Okay. Okay. It's much better for one. Yes. अगर बारिश नहीं होती तो मैं भाग लेता, लेकिन यार देयर इज नो वे आई कैन रन इन दिस वेदर. ना मेरी कुछ प्रैक्टिस है ना कुछ. कभी ऐसे वेदर में तो भागे ही नहीं. रियली नॉट पॉसिबल टू रन दिस. और थोड़ा आधा घंटा और वेट करता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ. कपड़े पहन के देख रहा हूँ मैराथन की कि इसमें क्या कितनी ठंड लग रही है. भाग सकते हैं क्या? मेरे ख्याल से ठंड का तो ठीक है, लेकिन बारिश अगर रुक जाए तो भाग लो. बारिश कहाँ रुक रही है. आधा घंटा बचा है मैराथन स्टार्ट होने में. ये मैराथन का रूट है, यहाँ से स्टार्ट होकर पूरे लेक का राउंड है. ये 21 किलोमीटर का है. ये 10K है या 5K है. बच्चे भी भाग रहे हैं 5 किलोमीटर. तो मैंने पता किया कि 5 किलोमीटर भाग लूँ क्या, लेकिन वो बोल रहे वो सिर्फ बच्चों के लिए. इंडिया में तो ये ड्रीम रन होता था, 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 7.5 किलोमीटर. समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ. बस दो ऑप्शन है, 10 किलोमीटर या 21 किलोमीटर. क्या करूँ. नंबर मिल गया है, लकी नंबर 8088. हाफ मैराथन का नंबर है ये. ओके, ट्रूथ बी टोल्ड 2019 में लास्ट मैराथन करी थी मैंने, फुल मैराथन. और वो इस वाले चैनल का फर्स्ट वीडियो भी था वो, जो मुंबई मैराथन थी वो. और उसके बाद ऐसा भागना रोका, कोविड भी आ गया था वैसे. लेकिन उसके बाद जो हाईएस्ट में भागा हूँ वो 3 किलोमीटर है. और आज मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ 21 किलोमीटर्स. तो ऑड्स आर नॉट इन माई फेवर, आई नो. वो बोलते ना कि मुंबई में भागा था तो मुंबई की स्पिरिट ऑफ मुंबई पता पड़ती. तो यहाँ देखते हैं कि स्पिरिट ऑफ जर्मनी कैसी है, स्पिरिट ऑफ यूरोप कैसा है. लाइफ के सारे डिसीजन आप रैशनली नहीं ले सकते, आपको अपनी गट फीलिंग के साथ भी जाना पड़ता है. मुझे लगा अगर आज भागूंगा तो ये लाइफ टाइम याद रहेगा. तो बस इसके लिए मुझे पता है मैं कम्प्लीट नहीं कर पाऊँगा. बारिश में इतने में जूते में पानी घुस जाएगा, उसके बाद में भाग नहीं सकता वो सब. लेकिन बस ये एक्सपीरियंस एक बार लेना है. बारिश बढ़ती जा रही है, हवा बढ़ती जा रही है. मैराथन चालू हो रही है 15 मिनट में. निकलते हैं जल्दी यहाँ से. बस रिटर्न में यही आना है 21 पे. ये है मेरा लक्ष्य, वो है स्टार्टिंग लाइन. So, bitte die Zuschauer sich schlank machen, dass die Läuferinnen das erste Danke hier im Olympic Runner ist Germany. Ki usko bulaya hai apne. क्या बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा. 10:30 is the starting time. 1:30 पे कट ऑफ टाइम है, बंद हो जाएगा 3 घंटे में. It's time to start this journey of 21 kilometers. Take it fast from.
Okay. Yes! मेरे एक्सपीरियंस से दुनिया में बहुत कम चीज़ ऐसी होती है जो मैराथन रनिंग करने के दौरान आप फील करते हो. पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस हो जाता है इन किलोमीटर्स में, और यही होने वाला है आज. अगर जमा नहीं एंड तक तो बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है. और वो बोलते हैं ना, व्हाट डजंट किल यू मेक यू स्ट्रॉन्गर, तो वो भी देख लेते हैं आज. लेट्स गो फॉर इट. खूब सारे थॉट्स चल रहे मन में, भागते भागते बता नहीं सकता. लाइफ में एक मैराथन जरूर भागना, कुछ करो या नहीं करो, ट्रेनिंग के बाद भागना. तेरे मत भागना बारिश में 5 डिग्री में बिना ट्रेनिंग के. Good, right? How old are you? Yeah. Your age? 66. Great one. Hello, I made it. Genau. Size? T-shirt L. No, L. Not. मेरे लाइफ की सबसे मुश्किल हाफ मैराथन बोल लो या मैराथन बोल लो, वो थी ये. लद्दाख से भी ज़्यादा दिक्कत आई क्योंकि पूरे रास्ते बारिश हो रही थी और अभी तक भी 60 डिग्री है कुछ वेदर यहाँ पे. उससे तो हो क्या रहा था, पसीना आ रहा था, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी, तो एक एक पार्ट गीला हो गया था बॉडी का, ठंड लग रही थी, और वैसा कुछ थोड़ा सा भी तेज भागो तो क्रैम्प आ रहे थे. तो बहुत ही डिफ़िकल्ट वाली मैराथन थी, लेकिन वो बोलते हैं ना, आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. और मैराथन भागने के लिए मुझे लगता है सिर्फ आपको एक रीज़न की ज़रूरत रहती है, तो मेरा रीज़न था वो मैं बताऊंगा कभी किसी दिन मैराथन भागने का. अगर अच्छा रीज़न हो तब आप मैराथन बहुत इजीली भाग लेते हो. इजीली मतलब आप फिनिश लाइन क्रॉस कर जाते हो. बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स होते हैं इनके मैराथन के, इसलिए भागने में मज़ा आता है. न्यूजीलैंड में भी हाफ मैराथन भागी थी मैंने 5 साल पहले, लेकिन अभी क्या था, बॉडी बिल्कुल भी यूज टू नहीं थी रनिंग के, तो दिक्कत आई बहुत सारी, क्रैम्प आए सब आया. आराम से फिनिश किया, और दिक्कत क्या होगी कि सिर्फ टी शर्ट अवेलेबल था, मेडल उनके ख़त्म हो गए थे जब तक मैं पहुंचा. मेडल नाउ वी व्हाट हाइज नाउ इज वर्कआउट ऑफ इंग्लिश सोल्ड आउट. सोल्ड आउट? यस. नॉट इवन वन नाउ एट द मोमेंट वी सोल्ड आउट. 10k 5k एनीथिंग. सो बी एट द मोमेंट आउट ऑफ द रूट. तो कुछ अच्छा करो तो अच्छा ही होता है. यहाँ पे क्या हुआ था, मेडल ख़त्म हो गए थे इनके, तो बहुत रिक्वेस्ट करी मेडल दे दो लेकिन ख़त्म हो गए थे.
तो फिर ये मिल गया बंदा और ये सेकंड आया उसमें हाफ मैराथन में. Auf den 1:12:33. तो उसने अपना मुझे दे दिया. फिर से बताता हूँ, थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो रहा है और थोड़ा कहीं बैठ के बात करते हैं. यहाँ पे वो ताजमहल भी है टाइगर सी में, जो मैं 3 दिन पहले आया था, जो यहाँ पे बिरयानी खाई थी. तो वो छोले भटूरे बाकी हैं उनके, छोले भटूरे खाते हैं. चलो, इतना भागने के बाद खुद को ट्रीट देना तो बनता है. तो आ गया मैं फिर से ताजमहल, छोले भटूरे खाऊँगा इस बार, चाय पीऊँगा. ठंड लग रही है अभी, चला नहीं जा रहा. छोले भटूरे खाए और खूब सारी बातें करी, कुछ 1.5-2 घंटे मोदी जी से लेके और जर्मन तक की बातें हुई. और अब थोड़ा हाथ पैर थोड़ी ठीक है, अब आगे का प्लान करते हैं क्या करना है. If I leave my car and you know they control the number here, the plate number. Okay. Here, so you can enter. Mm-hmm. And this is also for you. So I have to wear it all the time. Yes, or? So you can enter. Enter the this thing. Okay. Unique आ गया हूँ वापस. Camping ground है ये और यहीं रुकने का plan है. सुबह Munich ही निकला था मैं 7 बजे. और ऐसे पूरे मन के साथ नहीं निकला था कि करूँगा या नहीं करूँगा मैराथन. वहाँ पहुँचा और बारिश हो रही थी ज़ोर से, 5 डिग्री टेम्परेचर था, तो हिम्मत तो नहीं हुई करने की. लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम आने लगा मैराथन का 10:30 बजे का, ऐसे करके उसी टाइम रजिस्ट्रेशन कराया और हियर आई एम. हो गया मैराथन पूरा. 3 साल बाद कोई रनिंग इवेंट में पार्टिसिपेट किया. तो वहाँ से मैं निकला तो यूँ था कि न्यूरेमबर्ग चलते हैं, वो म्यूनिख से और ऊपर है. यहाँ से कुछ 160 किलोमीटर्स, लेकिन बहुत लंबी ड्राइव हो जाती है. और रास्ते में फील हो रहा था पैर दुख रहे थे, कमर दुख रही थी, तो मुझे लगा म्यूनिख ही ठीक है. कल म्यूनिख घूम के और कल रात को एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा गाड़ी ड्रॉप करके, और फ्लाइट पकड़ने का प्लान है. तो आज की रात किसी भी कैंपिंग ग्राउंड में यूरोप में लास्ट नाइट होगी, कल की रात आधी रात एयरपोर्ट पर बीतेगी. ऐसा करके अब ट्रिप ख़त्म हो रहा है. आज कुछ 22nd नाइट है मेरी यूरोप में, एंड इट्स माय लास्ट नाइट इन यूरोप. कल देखते हैं क्या बॉडी की क्या हालत रहती है. घूमेंगे थोड़ा बहुत म्यूनिख और थोड़ा ट्रिप का एंड है तो थोड़ा सा वैसे भी डल जाने वाला है, तो थोड़ा घूम के और दी एंड करेंगे ट्रिप को. बहुत लंबा ट्रिप हो गया है, 22 दिन. चलो फिर चलते हैं. अगर मैराथन का वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करना. बहुत बहुत हाथ पर दुख रहे हैं. बाय.